नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट की जो 2022 में 10 या 12 का एग्जाम दिए हैं और पास हो गए हैं और वो आईटीआई करना चाहते हैं। तो अगर आप 10 या 12 में एग्जाम दिए हैं और पास हो गए हैं 2022 में, तो आप आईटीआई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एहसास हो जाए कि आपको आईटीआई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके पहले जो है अभी 2020 से लगभग ये जो आईटीआई का एग्जाम हो गया है वो ऑनलाइन चालू हो गया है। मतलब अब पिछले वाला जो पैटर्न था, जैसे ऑफलाइन होता था, तो वो सिस्टम नहीं रहा है। अब हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है और हमारा सेंटर कहाँ जाएगा ये हमको पता नहीं है। पहले जो है मैक्सिमम जो आईटीआई वाले रहते थे तो अपनी फेवरेट जगह पे अपना सेंटर ले जाते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ जाता था, क्योंकि तमाम कॉलेज होते थे इंटर कॉलेज, तो कहीं भी आप सेंटर ले जाइए, इसके बाद वहाँ पर नकल होती थी तो लोग पास हो जाते थे और एक बेरोजगारी की भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगे चल के उत्पन्न होती थी। तो अब वो सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है। अगर आप अब आईटीआई करना चाह रहे हैं 2022 के बाद, अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी नकल नहीं होगी और आईटीआई पढ़ने के लिए, पास करने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि आप पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी आप आईटीआई में एडमिशन कराइए, अन्यथा मत कराइए। क्योंकि अब जो है 2022 के बाद है, तो कोई शायद ही कोई संस्था होगी जहां आपको नकल करने का मौका मिल जाए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां आप नकल कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपके सामने कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, बगल वाले का क्वेश्चन अलग रहेगा, उधर वाले का अलग रहेगा, मतलब एक ही बार में सबके अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे जो है आपको कोई भी सेंटर नकल भी नहीं करा सकता, क्योंकि नकल कराने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टीचर की आवश्यकता होगी जिसकी वो फीस नहीं दे पाएंगे। तो इस नाते आप यह निर्णय कर लीजिए कि आपको आईटीआई करना है तो आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ने के लिए सक्षम हैं तो आप आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा नहीं। और बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि आईटीआई करने के बाद क्या होगा, कौन सी जॉब मिलती है, कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिए, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा और आप लोग एकदम आसानी से उसको समझ जाएंगे कि आईटीआई करके हम कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा।